आज का अफ्तार हम करेंगे ऐसे बच्चों के साथ जिनके ना माँ है ना बाप है। पाकिस्तान स्वीट होम में अपनी जिंदगी के आयाम गुजार रहे हैं। जब यहाँ पर हमने आके अपनी आंखों से मनाजिर देखे वो नाकाबिले बयान है। मैडम ने वो देखा ही नहीं। आप याद करते हो अम्मी को? यहाँ कौन लेके आया था आपको? यहाँ हमारे को आदमी थे वो लेके आए थे। आज उन बच्चों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आई है सर्विंग हेल्पलेस सोसाइटी। तो हमारे जो फरिश्ते हैं 100 फरिश्ते हम इनके साथ अफ्तारी भी करेंगे। हम उन बच्चों को ईद के खर्चे की सूरत के अंदर कुछ लिफाफे देंगे। इसी तरह से कुछ 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया है, तो उनके लिए सर्विंग हेल्पलेस सोसाइटी की तरफ से कुछ बेहतरीन तहाइफ भी लाए हैं। बच्चों के लिए बेहतरीन अफ्तारी और डिनर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान स्वीट होम के असिस्टेंट डायरेक्टर सलीम बलोच ने सर्विंग हेल्पलेस सोसाइटी की टीम से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यहाँ पर बच्चों के खाने के लिए बेहतरीन मेस का इंतज़ाम किया गया जाता है, जहाँ पर वीकली मेन्यू डिसाइड किया जाता है। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिए जाने के साथ साथ उनके लिए आरामदा रिहाइश, ट्यूशन टीचर और 5 वक्ता नमाज का बैतुल माल पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर ही एहतमाम किया जाता है। हमारी टीम ने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और उनसे ज़हनी सवालात भी किए गए, जिस पर उन्हें इनाम दिए गए। जुम्मे की नमाज के अंदर कितनी रगादे होती है? लिविंग थिंग किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। हाँ। लिविंग थिंग जो है सेल से मिलके बने होते हैं। सही जवाब आपको। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्वीट होम के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद सलीम बलोच। आइए इनसे बात करते हैं और यहाँ पर बच्चे कितने हैं, कैसे यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनका किस तरह से ख्याल रखा जाता है, तो सारी डिटेल हम इनसे लेंगे। यहाँ पर बच्चों की क्वांटिटी कितनी है और किस तरह से उनका ये प्रोसेस चलता है सारा जो आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। 100 बच्चों की हम यहाँ पर रिहाइश की गुंजाइश है यहाँ पर, जिनको हम एजुकेशन फ्री देते हैं और जितनी फैसिलिटी है एजुकेशन, मेडिकल और जो यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। कि एजुकेशन यहीं पर होती है, बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए आपने टीचर्स वगैरह हैं यहाँ पर या कोई बाहर किसी स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, उसके भी थोड़ा बताइए। सर, स्कूल की एक्टिविटी जो एजुकेशन है वो बाहर होती है हमारी, सेफ एजुकेशन वालों का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है इनका, तो वहाँ स्कूल है, यहाँ से हमारे बच्चे जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप हम दे रहे हैं तो उनको बस जाती है, वापस आ जाती है। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ हैं वीकली बेसिस पे हम यहाँ आउटडोर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्यूशन यहाँ पर हमारे टीचर्स आके पढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सर्विंग हेल्पलेस सोसाइटी की तरफ से आज यहाँ पर अफ्तारी और डिनर का एहतमाम किया गया और जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, कुरान पाक नाजरा मुकम्मल किया है, उनकी यहाँ पर जो है वो आमीन है, उनके लिए तहाइफ भी सर्विंग हेल्पलेस सोसाइटी की तरफ से दिए जाएंगे और साथ ही साथ बच्चों के अंदर ईद के लिए उनके लिए इन्वेलप भी ये लेकर आए हैं और ऐसे बेसहारा बच्चों का सहारा बनना आज के दौर में यकीनन किसी कुर्बानियों से कम नहीं है।
हम इस वक्त फर्स्ट टाइम आए थे, आप इंशाल्लाह हमने नियत की है कि महीने 15 दिन के अंदर इन बच्चों के पास हम आते रहेंगे। यहाँ पर इदारे वालों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इनको फैसिलेट किया हुआ है। एक शब्द इनके पास ज़रूर आए और अपनी आंखों से मनाज़िर देखें और अपनी जो दिली सुकून है ना, खुदा की कसम आपको जो यहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिल सकता, आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे। मेरे अबू की डेथ हुई थी 2013 में, हम चार भाई हैं आपस में। वो बाकी भाई कहाँ है? बाकी भाई हमारे यहीं पे, सारे चारों यहीं पे। मैं मेरे को खास की आवाम जितने भी मुखैर हजरात हैं जिनको अल्लाह पाक ने दौलत दी है, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि वो लोग आएँ, अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें,